तो स्वागत है आपका फिर से एक नया ब्लॉग में। और आशा करता हूँ कि गाइस आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है गाइस, वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बापू धाम मोतिहारी तक का होगा। और जो गाड़ी में हम जो सफ़र करने वाले हैं वो है शपथ क्रांति एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या नंबर 12558। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, अब बने रहिए। मेरी गाड़ी जो है हमारी शपथ क्रांति फास्ट एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर तक जाएगी आनंद विहार से होके। तो इसका तो टाइम है यहाँ से 2:50 का है, तो अभी 2:14 हो चुके हैं। ट्रेन जो है गाइस अभी 20-25 मिनट में यहाँ से खुल जाएगी आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। तो पूरा प्लेटफॉर्म जो है खाली हो चुका है, सारे जो पैसेंजर हैं वो शपथ क्रांति ट्रेन का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो ये गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ पे शपथ क्रांति एक्सप्रेस जो है इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। और ये पूरा प्लेटफॉर्म है जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं सब अभी। और ये वंदे भारत जो है ट्रेन यहाँ पे खड़ी है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, नई दिल्ली सब प्रतीक्षा कर रहे हैं ट्रेन का। और ये सामने जो है आपको पीने का पानी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये अंडर पास है, यहाँ से जो है आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं पार करके। और सामने डिस्प्ले होगा गाइस यहाँ पे गाड़ी संख्या नंबर, ये सामने फुटपाथ है गाइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो आप ये देख सकते हैं गाइस की ट्रेन का इंतज़ार, कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। सामने गाइस यहाँ पे जो है फन जोन का, यहाँ पे गेम्स वगैरह बच्चों के लिए यहाँ पे जो नया खुल चुका है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे सारी एक्टिविटी यहाँ पे लिखी हुई है। ये पूरा वेटिंग एरिया है यहाँ पे आनंद विहार का। और ये अमूल का यहाँ पे क्लॉक रूम का गाइस चार्जेस है यहाँ पे। तो ये क्लॉक रूम के यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और सामने जो है पूरा वेटिंग हॉल है, वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे ये टॉयलेट वगैरह सारी चीज़ बना हुआ है। क्या जो है यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन होता है, ट्रेन संख्या, एग्जिट, ये सब कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है सारी चीज़ें। बाद का जो सफ़र है बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि आनंद विहार से मोतिहारी तक का सफ़र हम करेंगे 1,230 किलोमीटर। ये सफ़र जो है पूरा स्टेशन जो है जितने भी स्टेशन आएंगे सब आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। जैसे ही ट्रेन खुलेगी और सारी चीज़ें आपको जो है कौन कौन से स्टेशन आएंगे सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो कंटेंट है आपको देखने को मिलता रहे मेरे इस चैनल पर। थर्ड एसी का गाइस जो है कुछ इस तरह का वॉशरूम है, यहाँ पे ये हैंड वॉश है, सामने मिरर लगा हुआ है स्टेप का। और ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है फ्लश वगैरह करने के लिए, ये रहा यहाँ पे सारी चीज़ें। देखो दोस्तों जो है लालू को प्रसाद दे जा रहे हैं, बिहार गांव जा रहे हैं गांव। तो सर तो फिलहाल दोस्तों जो है हम थर्ड एसी में जो है सफर कर रहे हैं, देख रहे होंगे थर्ड एसी में जो है उतना भीड़ नहीं होता है स्लीपर के मुकाबले। तो यहाँ इस तरह का जो है कंबल और आपको कुछ भी चादर वगैरह जो है आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें पूरा जो है एसी है थर्ड में। गाइस मैं भी नरकटियागंज पहुंच चुका हूं, तो हमारी गाड़ी जो है यहां पे 5 मिनट का होल्ट है नरकटियागंज पे। 7:45 पे पहुंच चुके हैं। रात्रि का जो
ऐसा है, हम बापू धाम मोतिहारी पहुंच चुके हैं अपने समय पे। 9:30 बजे जो है ट्रेन ने हमें उतार दिया है। तो ये स्टेशन है कुछ इस टाइप का यहाँ पे बापू धाम मोतिहारी का बाहर से। और यहाँ पे जितने भी आप ये ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा देख रहे हैं, ये आसपास के एरिया में जाने के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। शेयरिंग में बुक करके जैसे भी आप जाना चाहें आपको यहाँ से मिलेगा। तो अब हमें भी यहाँ से जो है ऑटो वगैरह लेके अपने गाँव की तरफ जाना है। तो मैं यहाँ से जो है ऑटो वगैरह यहाँ से बुक करूँगा, और जो डायरेक्ट गाँव तक का ही